और नीतीश कुमार को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है और दिल्ली के बिहार भवन में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दो दिनों की बैठक शुरू हो चुकी है। इस बीच जेडीयू ने यह साफ कर दिया है कि वो एनडीए से बाहर नहीं जाएगी बल्कि एनडीए को मजबूत करेगी। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि 2019 के आम चुनावों में एनडीए राज्य के 40 सीटों में 38 सीट पर जीत हासिल करेगी। हालांकि लोकसभा चुनाव में सीटों को लेकर एनडीए के सभी घटक दल बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी और आरएलएसपी में खींचतान जारी है। इसे सुलझाने के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 12 जुलाई को पटना जाएंगे। त्यागी ने उम्मीद जताई कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ नीतीश कुमार की बैठक ने सीटों के बंटवारे को लेकर स्थिति साफ हो जाएगी। उनके मुताबिक जेडीयू कार्यकर्ताओं में सीट शेयरिंग को लेकर उत्सुकता है। अब वक्त आ गया है कि हम सीटों के तालमेल का फैसला कर लें।